गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदुमन, योर मैथमेटिक्स टीचर फॉर क्लास 8, 9 and 10 इन मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हिसुआ. स्टूडेंट्स, टुडे जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13A फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक. जस्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days वाइल अमित कैन डू इट इन 30 days. इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टूगेदर. सिंपल सा है, मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था कि एग्जाम्पल से कि आपका ए है जो किसी वर्क को एक्स डे में कंप्लीट करता है, है ना, कितने डे में, एक्स डे में. बी कितने डे में, वाई डे में. तो वन डे में वर्क कितना वर्क वो कंप्लीट करेगा ए. सपोज ए कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, है ना. अब जरा बताओ कि एक दिन में कितना काम वो कंप्लीट करेगा. सो द पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन वन डे बाय ए इन वन डे, एक दिन में वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट करेगा. एक्स डे टाइम ले रहा है तो 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा. क्लियर, एक दिन में. ये भी मैं आपको बता दिया था कि अगर एक दिन में 1/x कंप्लीट कर रहा है तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा वो, एक्स डे में कंप्लीट करेगा. एन डे का एग्जांपल लेकर के मैंने बताया था. सिमिलरली द पार्ट ऑफ वर्क completed by B in one day कितना हो जाएगा. जैसे B जो है by day में वर्क को कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना वर्क का वो पार्ट कंप्लीट करेगा. इन वन लिखा हुआ है डे इक्वल टू 1/y. अगर दोनों साथ साथ काम करेंगे तब क्या होगा, when दे वर्क टूगेदर देन द पार्ट ऑफ वर्क डन इन वन डे, देन द पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन वन डे कितना हो जाएगा. ए जो है आपका इतना पार्ट कंप्लीट कर दिया, बी जो है इतना कंप्लीट कर दिया, तो दोनों मिल करके काम करेगा तब एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, दोनों को ऐड करेंगे. दैट मींस 1/x + 1/y. यहां से क्या हो जाएगा, x + y / x / y, ये हो जाएगा. एलसीएम लिया, एक्स वाई हो गया. तो बताओ एक दिन में जो है दोनों मिल करके x + y / x / y पार्ट कंप्लीट कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, है ना. सो इसका रेसिप्रोकस ना हो जाएगा. सो टाइम टेकिंग टू कंप्लीट दिस वर्क टुगेदर, तब क्या हो जाएगा यहां से इसका रेसिप्रोकस x / y / x + y. एक सिंपल सा आपका फॉर्मूला टाइप का ये बन गया. अब आप करोगे क्या, इसमें जो है वैल्यू पुट कर दो. ए के लिए दिया गया है टाइम 24 डे, बी के लिए दिया गया 30, यानी x = 24 और y = 30 रख देंगे तो 24 × 30 / 24 + 30 कितना आ जाएगा. ये 24 × 30 रहने दो, यहाँ पे 54 हो जाएगा. इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 6 जा और 5 6 जा, ठीक है, 9 6 जा और
फाइव सिक्स 30, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आ जाएगा 8 3 जा और यहाँ पे 3 3 जा, कितना है 40 बाई 3 डेज, इतना आपका टाइम लेगा जब वे दोनों एक साथ काम करेंगे तब। तो क्वेश्चन तो समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन आसान ही है, क्लियर है। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर किया और मैंने बताया, बिल्कुल उसी के जैसा है, बना लेंगे। ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ए एंड बी वर्क टूगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डे व्हाइल ए एलोन कैन डू इट इन 9 डेज। हाउ मच टाइम विल बी एलोन टेक टू फिनिश इट। तो मान के चल रहे यहाँ पे आपका सेम सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्या है आपका, मैंने क्या बताया था, वेन ए एंड बी वर्क टूगेदर, ए कैन टेक एक्स डे और बी कैन, बी कितना दिन ले रहा है जी, वाई डेज। ए का तो एक्स इक्वल टू दे चुका है, ए का क्या दिया है, एक्स इक्वल टू आपका क्वेश्चन में दे दिया है कि, चलो एक बार फिर से कर लेंगे। देन वेन ए एंड बी वर्क टूगेदर, है ना, टाइम का क्या आया था, टाइम टेकन एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। मैंने भी बताया था, एक फॉर्मूला निकाला था, इसी तरह से बना दिया था, जब दोनों साथ साथ काम करेंगे तब कितना समय लेंगे, ए एक्स डे ले रहा है, बी वाई डे ले रहा है ना, तो जब साथ साथ काम करेंगे तो एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। चलो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन बन चुका है, या इक्वेशन भी कह सकते हो आप, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बशर्ते कि आपको कुछ इसमें से 3 डाटा है, x, y और टाइम टेकन, है ना, दिया हुआ है। तो जब वो साथ साथ काम करते थे कितना दिन का समय ले रहे हैं जी, 6 डे टाइम टेकन, बेन बे दे वर्क टूगेदर 6 डे ले रहा है। अब क्या बोला गया है कि ए अकेले कितने दिन में उस वर्क को कर सकता था, तो क्या बोला है, 9 डेज में, वाइल ए एलोन कैन डू इट इन 9 डे। ए का वर्क कितना है, एक्स है, एक्स इक्वल टू 9 है और वाई इक्वल टू आपको निकालना है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 9 रखो और इंटू वाई डिवाइड बाई 9 प्लस वाई, यहाँ पे रख दो, वाई आपका निकल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दो इस साइड में, कितना हो जाएगा 6 बाई प्लस 54 इक्वल टू 9 बाई, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 3 बाई, तो 9 6 जा 54, 6 जा बिल्कुल सही है, और यहां से सोल्व करोगे तो ये किधर जाएंगे, 54 इक्वल टू 9 बाई माइनस 6 बाई, तो 3 बाई बचेंगे, है ना। तब बताओ बाई कितना आ गया, डिवाइड करोगे 54 डिवाइड बाई 3, 18 डे आपका आंसर हो गया, है ना। तो आप इस तरह से फॉर्मूला में भी रख करके बना सकते हैं, फॉर्मूला मैंने सिर्फ आपको सुविधा के लिए बना दिया। अगर आप 2-4-5 क्वेश्चन इस पे ट्राई करते हो या ज्यादा क्वेश्चन इस पर से अप्लाई करते हो तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ये एक प्रकार का कंसेप्ट मैंने बताया, फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट ही इसमें यूज किया है ना। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। टू मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सिराज वर्क टूगेदर, वर्किंग टूगेदर कैन ओवरहॉल ए स्कूटर इन 6 आवर, है ना, ओवरहॉल ए स्कूटर इन 6 आवर। राजू एलोन कैन डू इट इन, डू द जॉब इन 15 आवर, इन हाउ मेनी आवर कैन सिराज डू एलोन, एलोन डू इट। तो सेम क्वेश्चन है आपका, थर्ड के जैसा ही फोर्थ भी है। चलो आ जाओ फाइव नंबर पे आ जाओ। ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, बी कितने दिन में करता है, 12 डे में, और सी आपका 15 डेज में, रेस्पेक्टिवली बोल दिया है तो यही समझ लो। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट इन इफ दे वर्क टूगेदर, तो अब अगर जो तीनों एक साथ काम करेंगे तब कितना समय लेगा। तो चलो इस चीज को बना देते हैं, इसका भी फॉर्मूला चाहते तो बता दे, बना देते, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता, आवश्यकता भी नहीं है उतनी, कंसेप्ट होना चाहिए। अब देखो ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है जी, ए कितना दे ले रहा है, ए बी और सी, है ना। टाइम, टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम टेकन बाई देम, तो ए का टाइम दिया गया है आपका 10 12 और 15 है, 10 डे
12 डे और 15 डेज हो गया। तो बताओ एक दिन में पार्ट ऑफ वर्क ऐसे टेबल बना लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो देखा जाए आपका हो गया तीन टेबल हो गया, मेरा हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से बना लो ए बी सी है ना। टाइम टेकन यहाँ पे लिख दो, टाइम टेकन टू फिनिश पार्ट डन इन वन डे है ना। यहाँ ए कितना दिन में फिनिश कर रहा है 10 डे में, बी कितना दिन में 12 डे में, और सी कितना दिन में तो 15 डे में। ए एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा 1/10 पार्ट हो गया, बी कितना करेगा तो 1/12 पार्ट, और सी कितना करेगा तो 1/15 पार्ट करेगा एक दिन में। एक दिन में ये करेगा, जब तीनों एक साथ काम करेंगे तब क्या होगा है ना, तब जब आप जब तीनों एक साथ काम करेंगे तब कितना समय लगेगा है ना। तो ये हमें पता करना है, कैसे पता करेंगे, बहुत सारा इसमें आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम और एक नया टेबल बना लें इस तरह से, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कर दिया ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, और हम इसके बारे में बोल दिया कि एक्स डे ये तीनों मिलकर के लेते हैं। तो बताओ एक्स डे ये तीनों एक कितना पार्ट कंप्लीट करते हैं जी, तीनों मिलकर के कितना पार्ट कंप्लीट करते हैं, तो तीनों ऐड कर दो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 ये पार्ट आपको कंप्लीट करेंगे कितना दिन में, तो एक दिन में। ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ मिल गए वर्क करने लगे तो मान लिया कि एक्स डे में वो फिनिश कर रहे हैं ना। तब जरा देख लो इसमें, तो एक दिन में वो कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, ए एक दिन में इतना पार्ट कंप्लीट करता है, बी इतना पार्ट, सी इतना पार्ट, तो तीनों मिलकर के 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 हो गया। इसको आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद जानते हो कितना आएगा, एलसीएम ले करके हम साइड में सोल्व करके आपको बता देते हैं। 1/12 15 यहाँ पे 60 आएगा एलसीएम, एलसीएम निकालोगे तो 60 आ जाएगा। 10 6 जा प्लस 12 5 जा प्लस 15 4 जा कितना आया, ये आपका 15/60 आया, दैट मीन्स काटोगे तो 1/4 आ गया। कितना आया ये ओवरऑल, ये 1/4 आया। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका ये प्रॉब्लम है, जान ही रहे हो कि टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में चलता है, यानी कि इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सबका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए है ना। ऐसे भी एक दिन में 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है तो 4 दिन में कंप्लीट करेगा है ना, 4 दिन में। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा 1, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तब भी 1, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तब भी 1, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए ना, दैट इज x इंटू 1/4 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि 4 दिन में वो कंप्लीट करेगा। क्लियर है, तो मैंने आपको एक न्यू मेथड आपको बताया है, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर, यहाँ पे आवर होगा 24 आवर ठीक है। बी कैन डू इट इन 16 आवर एंड, और क्या बोला है, एंड ए बी एंड सी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश इन 8 आवर, जब तीनों एक साथ काम करते तो कितना आवर में कंप्लीट कर लेता है, तो 8 आवर में। ए बी एंड सी कैन फिनिश द वर्क व्हेन दे वर्क टूगेदर इन 8 आवर। अब क्वेश्चन में कहा क्या है फाइनल में, इन हाउ मेनी आवर कैन सी अलोन फिनिश द वर्क, सी कितने देर में इसको फिनिश करेगा। तो हम यहाँ पे सी के लिए क्या मान लें, एक्स डेज में, कितना डेज में, एक्स डेज में ये फिनिश कर रहा है। तब जरा सोच लो, एक दिन में ए सॉरी एक घंटे में ए वर्क का कितना पार्ट करेगा, तो 1/24 पार्ट करेगा। बी कितना करेगा, 1/16 करेगा।
सी कितना करेगा 1/x, और जब तीनों साथ साथ काम करेंगे तब कितना पार्ट कंप्लीट होगा जी, 1/24 प्लस 1/16 प्लस 1/x हो गया, बस आपका काम फिनिश हो गया। इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेकर के आप नया इक्वेशन जनरेट करोगे और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दोगे, 1। देख रहे हो, इसका भी प्रोडक्ट 1, इसका भी प्रोडक्ट 1, इसका भी प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 1, देन इसका भी प्रोडक्ट क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि वर्क तो आपका सिंगल पीस है, एक ही पीस में वर्क है, तो इसलिए आपको सबका प्रोडक्ट आपका इक्वल होना ही है। तो चलो इसको आप बनाओगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैंने 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, 10% आपके लिए छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, ए बी एंड सी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर, ठीक है, ए एलॉन कैन डू इट इन 20 आवर, बी एलॉन कैन डू इट इन 24 आवर, इन हाउ मेनी आवर विल सी एलॉन डू द सेम वर्क। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ डाटा बदल दिया गया है, ए का कितना दे दिया गया है जी, ये हाँ ये तो लगता है क्वेश्चन भी वही है, नहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा चेंज है, ए के लिए यहाँ पे 20 आवर है, बी के लिए 24 आवर, इसके लिए एक्स, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ 20 यहाँ 24 आएगा, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करोगे। एक मैं बता ही देता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 6 को फाइनल कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या करोगे, इसको जब आप रिजोल्व करोगे तो जानते हो कितना आएगा, यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम आपका 48x आ जाएंगे, कितने आएंगे 48x, 24 टू जा यानी कि यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 16 3 जा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, xx कैंसिल प्लस 48 हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए, ये सारे प्रोसेस, एलसीएम निकालो इन दोनों का तो 48 आएगा, और x है तो x मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि x तो किसी में जाएगा नहीं, तो 24 टू जा यानी कि 2x टाइम में लगाएगा, 16 3 जा यानी कि 3x टाइम में लगेगा, xx कैंसिल तो 48 हो गया, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट अब आपका वन होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे तो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे तो 8 × 2x + 5x + 48 लिख दें, 5x + 48 / 48x = 1, 8 6 जा इधर आ गया तो 6x हो जाएगा, यानी कि 48 + 5x = 6x, ये चला जाएगा उधर तो 48 = क्या हो जाएगा सिर्फ x, यानी कि आपका C कितने दिन में कंप्लीट करेगा तो 48 डेज में। आप सिमिलर टू दैट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करोगे।